खबर गाजीपुर जनपद से, जहां बिजली कर्मियों के निजीकरण हटाने के विरोध में गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर विद्युत कर्मियों द्वारा मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बिजली विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी गढ़ लाइनमैन भरपूर सहयोग के साथ मशाल जुलूस में सम्मिलित हुए। प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन भी मुस्तैद रहा, इसमें कोई अप्रिय घटना न घट सके, इसको देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। मीडिया बंद फोटो खींच वहीं भारतीय जनता पार्टी मंडल सैदपुर पूर्वी व पश्चिमी की संयुक्त सेक्टर संयोजक प्रभारी व मंडल पदाधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हसनपुर डगरा स्थित एक निजी स्कूल में संपन्न हुई। बैठक की मुख्य अतिथि मीना चौबे प्रदेश मंत्री रही। बैठक की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किया और संचालन सुधीर पाटिल ने किया। बैठक में प्रदेश मंत्री द्वारा कृषि बिल तथा विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिला महामंत्री दयाशंकर पांडे, जिला मंत्री संतोष चौहान, ब्रजनंदन सिंह, सच्चिदानंद सिंह, ओंकार नाथ मिश्र, डॉक्टर अश्विनी कुमार पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजीपुर जनपद से अजीत कुमार के साथ उनको यह बताने का कार्य कर रही है कि हे महापुरुषों, आपने जिस भारतीय जनता पार्टी रूपी कमल को हमें सौंपा था, उस कमल को आज हम लोग विश्व पटल पर सुगंधित और पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं तथा भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे महान, सबसे बड़ी और सबसे ऊंचे संगठन के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों के माननीय श्रीमती मीना चौबे जी, गाजीपुर जनपद के यशस्वी उपाध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी, अखिलेश सिंह जी, जिला महामंत्री और हम लोगों के बीच में हम लोगों के सहयोगी संतोष चौहान जी, जिनको जिला मंत्री का दायित्व दिया गया है, बच्चों भी माल्यार्पण और स्वागत करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय भानु प्रताप सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। तो आप सभी निवेदन है कि मनुष्यों के चलचित्र पर माल्यार्पण कर माल्यार्पण करने की कृपा करें। माननीय भानु प्रताप सिंह जी, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।